एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। कैसे आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर शिफ्टिंग में जो सारे चीज़ें अरेंजमेंट में ही मेरा ये सारा दिन चला गया है। आज जो है, आज ए थर्सडे और टाइम हो रही है अभी शाम का 7:10 हो रही है। बट अभी आप लोग बाहर जो है कितना लाइटिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब शाम हो जाता है ना, ऑलमोस्ट 7:30 बजे पूरा रात होता है, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा मीन्स अंधेरा नहीं होता है। और यहाँ पर रात बहुत कम होता है, दिन बहुत बड़ा होता है। कि उड़ीसा में अभी फेस्टिवल चल रही है हम लोगों का, बट जैसे कि ये सारा चक्कर में मैं इस बार ये फेस्टिवल को इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रही हूँ। सोचने के बाद तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ स्वीट डिश मैं बनाती रहती हूँ। कोई बात नहीं, 3 दिनों का हम लोग राजो फेस्टिवल होता है, तो आज है लास्ट डे, तो मैंने सोचा कि लास्ट डे पर भी कुछ स्वीट्स डिश बनाते हैं। जैसे कि नया घर में आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो आज मैं बनाऊंगी ओडिशा का ऑथेंटिक पोड़ो पिठा, जो कि बहुत इजी है बनाना और थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होता है। अच्छे से अगर आप करते हो तो बहुत मीन्स अच्छे से वो निकल जाता है, जैसे केक वगैरह होता है ना, उस तरह से ही होता है। तो ये रही मेरी किचन ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। कुछ कुछ चीज़ें तो इधर उधर होता ही रहता है, क्योंकि यूज़ करते हुए ये नया किचन है, जैसे मैं यूज़ करती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि ये चीज़ें मुझे यहाँ पर रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये यहाँ पर रखना है, वो वहाँ पर रखना है। धीरे धीरे करके ये सब स्टार्ट होगा। तो बैटर वगैरह मैंने ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है, तो वो निकालूंगी और दिखाते जाऊँगी आपको मैं कैसे बनाती हूँ। तो पोड़ो पिठा का जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है नारियल। तो नारियल आप अगर डालते हैं तो बहुत टेस्ट आता है, तो मैं आपको पक्का सजेस्ट करूँगी आप फ्रेश नारियल यूज़ कीजिए। मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पर मैंने जो नारियल का बुरादा है ना, जो ड्राइड कोकोनट पाउडर है, वो लिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा जागरी भी डाल दिया है। आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं, बट अगर आप गुड़ डालते हैं तो बहुत अच्छा ब्राउनिश सा कलर आता है। और यहाँ पर जागरी भी मेरी, सॉरी, नारियल भी मेरी अच्छे से जागरी के साथ मिक्स हो गई थी। और यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द दाल और 2 कप चावल का आटा को अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। और जब मैं उड़द दाल भी ग्राइंड कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने 1 स्पून जो मेथी दाना है उसको भी सोख करके उसके साथ ग्राइंड किया था, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लॉफी हो गया था। और अभी मैं स्वीटनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर जैगरी पाउडर, और उसके साथ साथ ये जो छोटा छोटा जैगरी पीसेस है उसको भी डाल रही हूँ, ताकि ये जो पीसेस है ना, जब आप उसको बेक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा, जैसे कि चॉकलेट सिरप वगैरह होता ना, उस तरह से ही लुक आता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, कुछ सजाने के लिए रखूँगी। और ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ काजू और किशमिश यूज़ किया था। और उसके साथ डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये ऑप्शनल है, कोई लोग डालते हैं कोई लोग नहीं भी डालते हैं, बट मैं डालती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्चुअली मैंने दीदी से सीखा था, सिस्टर इन लॉ से। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक चुटकी बेकिंग जो खाना वाला ईटिंग सोडा है वो भी डाला है। उसके बाद यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, कुकर जब गर्म हो जाएगा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 बड़ी स्पून घी, और उसको अच्छे से चेक करना है, जब ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आपको डालना है। अगर गर्म नहीं होता है तो नीचे से ये लग जाता है, तो बहुत अच्छे से घी गर्म होने के बाद ही आपको डालना है। और जब मैं एक लेयर करके डालती हूँ उसके बाद जो नारियल है वो डाल देती हूँ, उसके बाद फिर एक लेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने 3 लेयर किया था, बहुत अच्छा बनता है ये और बहुत हेल्दी है। जितना भी स्वीटनेस आपको चाहिए उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा स्वीटनेस को कर सकते हैं। मुझे जितना स्वीटनेस पसंद है मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ, और बहुत कम मीठा खाना पसंद करती हूँ, बहुत अगर स्वीट हो जाता है तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो देखिए ऊपर से मैंने ये डाल दिया है, और जो जो छोटा छोटा जो गुड़ का चंक्स है ना उसको ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होता है कि जब ये बेक होता है तो थोड़ा सा बहुत अच्छा सुंदर दिखता है। तो किचन में मैंने पोड़ो पिठा का जो सारा प्रिपरेशन है वो तो करके उसको बिठा दिया है, और यहाँ पर बैठी है टेरी से एंजल, जो मिल्क पी रही है, दूध पी रही है।
और एंजल ना अभी स्कूल जाती है तो बहुत सारा कुछ चीजें जो है वहाँ पर सीख के आती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी स्टार्ट हो जाता है जूनियर केजी से ही। तो एंजल अभी सीनियर केजी में है, तो हिंदी के साथ साथ उसका राइटिंग भी अभी उसको सिखाना पड़ेगा। तो आज हिंदी था, हिंदी सीख के आई थी, और जो ओ आ से ओ ऊ बोलते हैं ना हिंदी में, मुझे हिंदी इतना मालूम नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है मैं एंजल को पढ़ाने के लिए ट्राई करूँगी। और यहाँ पर हम लोगों के घर में एक नया मेंबर भी आ गया है, ये हमारा नया टीवी यूनिट। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हम लोगों ने ना अमेजन से लिए थे, मैंने ऑर्डर कर दिया था और उसके 4-5 दिन के अंदर ही ये आ गया था, बट इंस्टॉल नहीं हुआ था। आज अमेजन की तरफ से जो इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं ना, वो इंस्टॉल करके गए हैं, तो काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ पर दो ड्रॉयर भी है, तो ये है ड्रॉयर जो कि यहाँ पर एक स्क्रू ढीला है तो वो निकल गई है। तो इस तरह से बहुत सारा स्पीकर्स है, तो कुछ चीज़ें जो है हम लोगों को यहाँ पर खरीदना ही पड़ा, क्योंकि टीवी यूनिट हो गया, कबर्ड हो गया, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर खरीदे। और टीवी यूनिट माउंट, वॉल माउंट तो नहीं कर सकते, बस होल फोल करना पड़ेगा। तो ये रेंटल फ्रेंडली है, तो 5000 समथिंग मुझे ये पड़ा, 5 या 6000 समथिंग मुझे ये पड़ा, बट काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छा है, दिखने के लिए भी काफ़ी क्लासी लग रही है। बस इसके साइड में कुछ कुछ मैं डेकोर पीसेस रख दूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारा काम मुझे करना है, जितना भी घर सजाओ उतना टाइम की कमी की वजह से उतना ही कम पड़ रही है। तो आज घर बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो ओनर थे ना वो हम लोगों को मीन्स घर जो है क्लीन करके नहीं दिए थे, तो फैन वगैरह काफ़ी गंदा था। तो आज हम लोगों ने एक मेड को बुलाए थे, वो 500 लिया, और दो वॉशरूम, 4 फैन 4 या 5 फैन उसके साथ साथ फ्लोर को मॉप करके गई है, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है आज फ्लोर। मैं तो करती थी बट वो आज बहुत अच्छे से की है। तो एंजल को मैं बोली कि ओडिशा का ऑथेंटिक केक बन रही है, तो वो उसको पूछ रही है कि मामा कब केक बनेगा। यहाँ पर देखिए हमारा पोड़ो पिट्ठा बनके रेडी। और एक्चुअली मैं भूल गई थी ये जो कुकर का वाशर निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फट भी गया है, ये यहाँ पर देखिए क्रैक हो गया है, तो ये वाशर को निकालना है। और एक्चुअली मैं बंद करके गई थी, थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा आराम से ये निकल जाएगा, बहुत अच्छे से फूल गई है, अभी इसको निकालते हैं। पोड़ा पिट्ठा बन के रेडी, बहुत अच्छे से निकल गया, स्टिक भी बिल्कुल भी नहीं हुआ है और बहुत स्मूथ है। ये कड़क अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो खाने का इतना ज्यादा मजा नहीं आता है।
हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो व्लॉग को स्टार्ट कर दिया था बट कल एक्चुअली बहुत हेडक की वजह से मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। जो भी हम लोगों के साथ दिखाया था ना उड़ीसा का ऑथेंटिक पोड़ो पिठा, उसको हम लोग खाए और उसके साथ मैंने डोसा भी बनाया था, वो क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद पता नहीं मेरा ये जो सर है ना इतना ज्यादा भारी भारी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ कल ही बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी अमेजन के एक छोटी सी हॉल जो कि मैंने स्पेशली जो हम लोगों का फेस्टिवल है रौजा है उसको ये लिए लिया था। क्योंकि हम लोग रौजा में क्या होता है कि 3 दिन सेलिब्रेशन होता है, तीनों दिन ही हम लोग नया नया कपड़ा कुछ पहनते हैं और बहुत सज धज के रहते हैं। बट ये सारा शिफ्टिंग के चक्कर में और मेरा शेड्यूल भी अभी बहुत टाइट है, तो इसकी वजह से इतना तो सजना धजना नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, वीकेंड आ रही है अभी, तो वीकेंड में थोड़ा सा फन करेंगे। चलिए मैं आप लोगों के साथ ना अमेज़न का एक छोटी सी हॉल शेयर कर देती हूँ जो कि रिसेंटली मैंने अभी परचेज किया है। तो पहला जो मैंने एक ड्रेस लिया था, ये एक मिड ड्रेस है जो कि कुछ इस तरह से कलर में है। ये थोड़ा सा ब्राउन और रेड को जो मिक्स करके कलर होता है ना, उस वाली कलर में है। पहन के भी मैंने देखा बहुत अच्छा सा इसका फिटिंग है। और हाथ की अगर बात करूँ तो हाथ कुछ आपको इस तरह से पफ वाली मिल जाता है, जहाँ पर इस तरह से इलास्टिक दिया गया है, तो ये बहुत अच्छे से सुंदर दिखता है। नेक की अगर बात करूँ, नेक आपको वी कट यहाँ पर मिल जाता है। मुझे इसका सब अच्छा लगा बट एक ही चीज मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो कि ये जो नीचे का कट है ना बहुत ही ज्यादा है। जब आप अगर कुछ अंदर में नहीं पहनते हो तो आपको ये नी से भी ऊपर तक दिखता है जब आप चलते हो। तो मैं क्या करने के लिए सोच रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टिच कर दूंगी या बटन भी इस तरह से लगा दूंगी, तो ये इतना सा कवर हो जाएगा और नीचे में इतना कट रख दूंगी, तो इसकी वजह से जब मैं वॉकिंग वगैरह भी करूंगी ना पहन के ये कंफर्टेबली रहे। नहीं तो ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और नी से भी थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग है, मिड ड्रेस है, तो काफी मुझे पसंद आया। और इसको समर में भी आप कैरी कर सकते हैं, कहीं पे डे आउट के लिए बाहर जाते हैं तो भी आप कैरी कर सकते हैं, तो मुझे काफी पसंद आया और प्राइस भी बहुत ज्यादा सही था। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और एक माई हॉल स्टोर का लिंक रहेगा जहाँ पर सारा प्रोडक्ट का लिंक आपको एक ही लिंक में मिल जाएगा। तो 18 to 22 June तक अमेजन पे चल रहेगा वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा ब्रांडेड कपड़े पे आपको 50 to 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके साथ साथ प्राइम मेंबर के लिए 17 से ये स्टार्ट हो जाता है, तो आप जाके बहुत सारे कपड़े को सब कर सकते हैं। तो सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर और एक शू जो कि मैंने लिया है रिसेंटली, और ये है एक रनिंग शू बट एज ए कैजुअल वेयर के साथ भी मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। नेवी ब्लू कलर का है, क्योंकि नेवी ब्लू कलर, ब्लैक कलर, मेरून कलर, इस तरह से जो कलर होता है ना सारा आउटफिट के साथ चल जाता है, तो मैंने ये नेवी ब्लू कलर का लिया है। काफी फ्लेक्सिबल है, मेरा जो साइज है वो 6 है। शू काफी अच्छा है, इसका रेटिंग आप लोग देखेंगे ना इतना अच्छा रेटिंग है इसका, रेटिंग को ही देख कर मैंने बाय किया था और प्राइस के हिसाब से ये शू काफी अच्छा लगा। इसका जो ये पोर्शन है ना ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना बेंड हो रही है और यहाँ पर इलास्टिक भी आपको थोड़ा सा मिल जाता है, जिसकी वजह से जब आप इस तरह से पैर डालते हो ना ये एरिया आपका पूरा मीन्स आपके बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो ये था मेरा शू जो कि काफी पसंद आया। अगर आप कुछ शूज अच्छा वाला ढूंढ रहे हैं ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये शूज को जरूर ट्राई करना। उसके साथ ये जो ड्रेस मैंने लिया था ना इसके साथ पेयरअप करने के लिए मेरे पास है ये इयररिंग्स, ये है जो कि अमेजन से ही लिया था, और ये जो इयररिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। 3 कलर यहाँ पर है, जैसे कि रेड है, ग्रीन है जो मिंट ग्रीन होता है ना एक्वा ग्रीन वो है, और उसके साथ साथ गोल्डन भी है। सिंपल सा कुर्ती भी डालते हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो, तो ये काफ़ी प्रीटी लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। और तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो लोग वॉकिंग है तो भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मीन्स भारी भी नहीं है, लाइट वेट है, तो आप इसको दिन भर के लिए कैरी कर सकते हो। तो ये था इयररिंग्स, और उसके साथ मैंने एक और भी एक इयररिंग्स लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, जो कि है ये
ये जो इयररिंग्स है ना, ये अमेरिकन डायमंड्स यहाँ पर लगा हुआ है। बीच में जो छोटा सा फ्लावर में यहाँ पर रेड कलर का स्टोन वर्क किया गया है, तो ये मुझे काफी प्रीटी लगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मस्त है। बस ये था छोटा सा मिनी हॉल अमेजन का, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ओडिशा का ये जो स्पेशल रेसिपी है उसको जरूर ट्राई करना घर पे, बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि यहाँ पर शुगर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं यूज किया था, बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह भी यूज नहीं किया था, उड़द दाल और चावल से ही बनता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।